आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आपने वाटर बैंक का नाम सुना होगा, फूड बैंक, रोटी बैंक के बारे में भी आप जानते होंगे, ऐसे कई बैंक के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन क्या आपने सैनिटरी पैड बैंक को सुना है? क्या आपको उसके बारे में जानकारी है? नहीं ना, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए रिपोर्ट। संगम नगरी के युवा की पहल, महिलाओं के लिए शुरू किया सैनिटरी पैड बैंक। महिलाओं को मुफ्त में मिलता है सैनिटरी पैड। 300 बेटियों का खुला है ये पैड अकाउंट। चुप्पी तोड़ खुल के बात करती है बेटियां। दरअसल 1 जनवरी 2021 को प्रयागराज के अलोपी बाग स्थित तिकोनिया चौराहे पर इसका कार्यालय खोला गया है। इसको खुले 1 साल हो चुका है और अब तक सैकड़ों बेटियों को पैड बांटा जा चुका है। और सबसे खास बात यह है कि निशुल्क पैड देने से पहले बेटियों का पहले पैड अकाउंट खोला जाता है, जिससे रिकॉर्ड बनाया जा सके। साथ ही इस बैंक से पैड लेने के लिए 5 से 7 किलोमीटर तक लड़कियां आती हैं। सैनिटरी पैड बैंक के संस्थापक अभिषेक शुक्ला बताते हैं कि हमारी टीम का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा बेटियों को उनकी पर्सनल हाइजीन के बारे में जागरूक करना है। शुरू में तो हमने इसको अपने पर्सनल ट्यूशन पढ़ा करके इस चीज़ पे खर्च किया, हमारी टीम ने पैसे इकट्ठा करके किए। धीरे धीरे लोगों के बीच में हमने विश्वास जगाया, उनको रिजल्ट दिए, तो लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ, ये लड़के कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमने पैड बैंक को कॉन्सेप्ट भी आज पब्लिक फंडिंग से जोड़ दिया है। तो आज अपने खर्च के साथ साथ में लोगों के सहयोग से ये पैड बैंक चल रहा है। हम लोगों से अपील करते हैं कि कोई 2 पैकेट, 5 पैकेट, 10 पैकेट और प्रयागराज के जो भी गणमान्य लोग हैं, 50 पैकेट इस तरह से चीज़ें दे रहे हैं। हर महीने उनका सहयोग मिलता है। कभी कभी हम कैंपेन चलाते हैं, ड्राइव चलाते हैं, अलग अलग स्कूलों में जाके इस चीज पे बात करते हैं। तो इस तरह से ये पैड बैंक कार्य कर रहा है। अभिषेक शुक्ला। इसके लिए वो बस्तियों में जाकर जागरूक करते हैं, उन्हें पीरियड्स के दौरान बरतने वाली सावधानियों समेत स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाती है। उनकी मेहनत का असर ये हुआ है कि अब लड़कियां पीरियड्स के बारे में खुलकर बात करती हैं, हिचक तोड़कर इस पर बात करती हैं। तो वही आज नतीजा ये है कि मदद के लिए लोगों के सामने आने का सिलसिला शुरू हुआ। कोई एक, कोई दो, तो कोई पैड बैंक में 5-6 पैकेट सैनिटरी पैड देकर जाता है, जिसे लड़कियों को मुफ्त में बांटा जाता है। हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहले हम लोग पैड यूज़ नहीं करते थे, हम लोग कपड़े का इस्तेमाल करते थे और इससे बहुत सारी दिक्कतें होती थी। लोग बीमार पड़ जाते थे, स्कूल नहीं जा पाते थे, कॉलेज नहीं जा पाते थे। तो हम लोगों ने सर से ये बात बोली तो हम लोगों को मैम ने समझाया कि ऐसी ऐसी बात है तो तुम लोग पैड यूज़ करा करो। तो सर ने फिर प्रयागराज में पहला पैड बैंक स्टार्ट किया। आज के दौर में जहां युवा सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, वही इस टीम से जुड़े युवा समाज के लिए मिसाल है, जो अपने साथ ही बेटियों के स्वास्थ्य से जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर जागरूक कर रहे हैं। हम लोग स्लम एरिया के बच्चे हैं और हमें पैसे से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें आती थी और अगर हम पैड नहीं यूज़ करते तो उसका बस एक ही रीज़न था कि इतना हम लोग के पास पैसा नहीं था कि हम लोग पैड हर महीने खरीद सके। तो यहाँ पे और हमें ये तो पता था कि पैड यूज़ किया जाता है, लेकिन ये नहीं पता था कि कपड़े से बीमारियाँ होती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे हमने यहाँ पे शुरुआत प्ले स्कूल शुरुआत एक ज्योति शिक्षा की, यहाँ पे मैंने पैड से ही रिलेटेड ज्वाइन किया। मुझे पता चला कि यहाँ पे पैड मिलता है ना, तो फिर मैं यहाँ पे आई और यहाँ पे मैंने सर से बात किया तो सर ने हमें हम लोगों को पैड दिया और यहाँ पे पैड का कोई पैसा नहीं है। यहाँ पे आना पड़ता है, बस एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को फिल करना होता है और फिर हमें पैड विदाउट पैसे का मिल जाता है। खैर, ये मुहिम नहीं, संकल्प है। इसे जितना हो सकेगा उतना आगे ले जाना है। देखना ये होगा कि ये पहल कितनी दूर तक जाती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। जहां इससे पहले लोगों को सैनिटरी पैड के लिए जानकारी देने के लिए एक मूवी बनी थी पैडमैन, तो वहीं एक और पहल सामने आई है प्रयागराज से, जहां पे सैनिटरी पैड बैंक खोला गया। एक नई पहल है समाज को बदलने की। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।